सो है वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल सदाम एडिटिंग में। सो गाइस कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में जो है बहुत ही कमाल के वीडियो एडिटिंग लेके आया हूँ। जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग पार्ट पर देखा या अभी चल रहे स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो गाइस, इस तरीके की आप भी वीडियो अगर बनाना चाहते हो, अपने वीडियो की बैकग्राउंड में किसी लड़की का फोटो या वीडियो कुछ इस तरीके से चलाना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो गाइस इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के अंदर जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे आपको हर एक न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है गाइस हमेशा आपको मिलती रहेंगे। सो गाइस इस वीडियो को जो हम एडिट करने के लिए कैन मास्टर एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं, जो कि आपके पास होगा या नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट को मैं वीडियो को जो है स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज इस वीडियो को एडिट करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल का कैन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। करने के बाद गाइज यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर न्याय नव सेक्शन का फ्रेम जो सेलेक्ट करना है, नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सो गाइज यहाँ से अपनी वीडियो जो है आपके पास जो वीडियो है जो वीडियो को बनाना चाहते हो इस तरह की वीडियो, उस वीडियो को यहाँ पर एड करनी होगी गाइज। तो मैं यहाँ पर जो है अपनी वीडियो को जो है यहाँ पर एड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी वीडियो जो है यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ गाइस। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना पार्ट आपको वीडियो का रखना है गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो गाइस। मैं अपनी वीडियो को जो है गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ तक मैं रखूँगा, यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइस जस्ट मुझे यहाँ तक आप वीडियो को रखना था गाइस, यहाँ पे आपको कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ ट्रिम लेफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इधर का जो स्टारा पार्ट है गाइस आपको डिलीट हो जाएंगे। सो गाइस तो आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ तक मेरे को वीडियो को रखना है गाइस कुछ तरीके से देख सकते हो, यहाँ तक वीडियो को रखना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ तक वीडियो को रखना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको ट्रिम राइट पे आपको क्लिक कर देने, यानी कि इधर का पार्ट जो है आपको कट जाएंगे गाइस। और आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको जो है यहाँ तक आपको वीडियो को रखना है। रखने के बाद गाइस यहाँ से आपको स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद इसका वीडियो में जो भी साउंड है आपका साउंड को यहाँ से आपको बंद कर देने होगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, इसका साउंड जो है बंद हो जाएंगे। फिर आपका ये भी आपके वीडियो को भी साउंड आपको बंद कर देने कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। और आपको क्या करना है गाइस, इसी वीडियो पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर स्पीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस इसको जो है थोड़ी सी आपको स्लो मोशन में कर लेनी होगी कुछ इस तरीके से गाइस। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ तक मैं बढ़ा दिया हूँ, यहाँ तक आपको बढ़ा देनी होगी। बढ़ाने के बाद गाइस यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इस साइड में आप देख सकते हो 3 डॉट आपको देखने को मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से डुप्लीकेट लेयर आपको कर लेनी होगी। करने के बाद गाइस इसे आपको बैकग्राउंड वाले वीडियो पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर रिप्लेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड जो है आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूं। और करने के बाद गाइस सेम पोजीशन पे सेम आपको रहने देना है और यहाँ लेयर पे क्लिक कर देना और मीडिया पे क्लिक कर देना गाइस। और यहाँ पर जो भी वीडियो इसमें आप लड़की का वीडियो या फोटो जो भी आप इसमें यूज करना चाहते हो उसको यहाँ पर ऐड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर जो है एक वीडियो है मेरे पास, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो जो है मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद गाइस इसे आपको क्या करना है, अब साइड में आपको 3 डॉट आपको देखने को मिल जाएंगे जिस पर आपको क्लिक करके इसे आपको सेंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस इसे आपको थोड़ी सी आपको कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेनी होगी गाइस। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जूम कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको भी कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेनी होगी गाइस। करने के बाद गाइस इसे आपको क्या करना है, अपनी वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस थोड़ी सी स्क्रॉल करना है और यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से फुल स्क्रीन में इसको ऐड कर देनी होगी। करने के बाद गाइस इसे यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ी सी और स्क्रॉल करना है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो एक ब्लेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको मल्टीप्ले कर देनी होगी। करने के बाद गाइस इसे आपका वीडियो जो है कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे। फिर गाइस यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर देना है, यहाँ इफेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ स्टोर पे इसका कॉइन मास्टर की स्टोर है इस पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ से आपको मास्क पे क्लिक कर देना है और ये वाले मास्क जो है आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ गाइस, इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो देखने को मिल जाते हैं ये इफेक्ट, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस
यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद इसका जो सेटिंग है गाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसका फेदर जो है गाइस थोड़ी सी आपको कुछ इस तरीके 20 पे आपको रख देना है, और रखने के बाद गाइस इसे आपको नीचे करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से आपको व्हाइट कलर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ से आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद गाइस इसे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर देना होगा गाइस। कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जहाँ से आपका पेड़ पौधा है वहाँ तक आपको कुछ ये इफेक्ट आपको रहना चाहिए, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर दिया गाइस। करने इस साइड में आपको देख सकते हो गाइस 3 डॉट आपको देखने को मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से सेंड बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपको वीडियो जो है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। फिर आपको क्या करना है गाइस, इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट का लेयर है, आपको पूरी जितना बड़ा वीडियो होगा उसके बराबर में आपको कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर कर दिया हूँ। और करने के बाद गाइस इसे आपको क्या करना है, सो गाइज आपको यहाँ से आपको क्या करना है गाइज, अपनी वीडियो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी स्क्रॉल करना है यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देख सकते हो एड एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे जो है वीडियो का, अपनी वीडियो का जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से आपको कलर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी होगी, जैसा आपका वीडियो उस हिसाब से कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से मैं कर लिया हूँ, अपने हिसाब से आपको भी अब कर लेना होगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करना है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अपने ये जो इफेक्ट आप सेलेक्ट किए थे पहले, उसी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर से 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, इसका जो है डुप्लीकेट आपको कर लेनी होगी। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस से यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है, थोड़ी सी स्क्रॉल करना है गाइस, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेनी होगी और सेव कर देनी होगी। आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ से बैक आना है, इसको जो है नीचे में आपको अच्छे से आपको शॉर्टो की तरह आपको इसमें एडजस्ट कर देनी होगी कुछ इस तरीके से नीचे में। और यहाँ से बैक आ जाने का, बैक आने के बाद गाइस इससे आपको एक इफेक्ट वीडियो जो है आपको मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम पर गए, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर एक इफेक्ट वीडियो जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ लेयर पे क्लिक करूँगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा, अभी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं अपनी वीडियो जो है इफेक्ट वाले मैं इसे ऐड कर लें। ऐड करने के बाद गाइस थोड़ी सी स्क्रॉल करना, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको फुल स्क्रीन में कर देनी होगी। करने के बाद गाइस जैसे बैक आ जाना है, बैक आने को थोड़ी सी स्क्रॉल करना है, फिर से आपको बेलेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे स्क्रीन कर देनी होगी। करने के बाद गाइस बैक आ जाना है, थोड़ी सी स्क्रॉल नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हो गाइस वॉल्यूम वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसका जो इफेक्ट का जो साउंड है उसको यहाँ से आपको बंद कर देनी होगी। तो मैं यहाँ पर बंद कर दिया गाइस। बंद करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो फाइनली जो है हमारी वीडियो जो है गाइस कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्ले करता हूँ। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके जो है वीडियो देखने को मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे ये आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे।